इस ट्यूटोरियल में गाइस हम क्रिएट करने वाले हैं ब्रोकन ग्लास वीडियो इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अभी जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने दो अलग अलग ग्लास पीएनजी यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये वाला है और एक दूसरा ये वाला भी है। बट जैसे मैंने कहा और आपने थंबनेल पे देखा होगा, आपका आउटपुट कुछ अलग ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो पीएनजी इमेजेस थे जो मुझे इफेक्ट जनरेट करना था उसके लिए उतना हेल्प आउट नहीं हो रहे थे। तो मैंने थिंक किया कि भाई जैसा इफेक्ट मुझे चाहिए मैं खुद ही एक ग्लास इफेक्ट जनरेट कर देता हूँ ब्रोकन ग्लास का। तो वही सिंपल टेक्निक आज हम समझने वाले हैं कि एक सिंपल टेक्निक भी आपके आउटपुट को कितना अमेजिंग बना सकता है, आपके वीडियो इफेक्ट्स को कितना अमेजिंग, आई कैचिंग एंड एंगेजिंग बना सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को अभी के लिए मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये खाली चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या प्रो आर्टिस्ट हो, जब भी वीडियो एडिटिंग कंपोजिटिंग के लिए जाते हो आपको अपने अलग अलग सोर्स के बारे में हमेशा सोचना होता है। ठीक है, तो वही सोच चाहे आप 3D में ब्रोकन ग्लास का रेडी करके आओ पीसीस वगैरह या पीएनजी इमेजेस डाउनलोड करके यूज करो, इट्स अप टू यू। बट जो भी रिजल्ट आना चाहो उसको बेस्ट तरीके से लाना और उसके अलग अलग ऑप्शन को सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो अभी मेरे मेन फुटेज को मैं यहाँ पे रेडी करता हूँ। तो ये मेरी स्विंग करती हुई मॉडल है यहाँ पे फुटेज के अंदर। अब इसी फुटेज के लिए मुझे क्या करना है, ब्रोकन ग्लास वीडियो इफेक्ट जनरेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं गाइस, और यहाँ पे चलता हूं मैं और अप्लाई करता हूँ प्रोपोर्शनल ग्रिड। ये मुझे एक रेफरेंस देगा, मुझे यहाँ पे मास्क जनरेट करने हैं जिसको हम आगे जाके ग्लास में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी एक चीज गाइस, मैंने ग्लास इफेक्ट के लिए एक और अमेजिंग वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बहुत ही अलग टेक्निक का यूज किया है। तो दोनों टेक्निक आपको अपने अलग अलग वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यूज करना होगा। तो वो ट्यूटोरियल यहाँ ऊपर आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वीडियो के राइट हैंड साइड और आई थिंक वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। उस ट्यूटोरियल को भी जाके जरूर देखना, वहां पे ग्लास इफेक्ट एक अलग ही टेक्निक से क्रिएट किया गया है जो इस वीडियो से टोटली डिफरेंट है, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे लेयर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फुटेज लेयर को, और यहां से मैं अपना मास्क ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला जो मुझे स्टार्ट करना है यहां से थे, मैं ऑलमोस्ट कुछ इस जगह से यहां से मास्क को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। मैंने की दिया यहां पे और यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज समझ लो, मैं इसको थोड़ा लेंदी रख रहा हूं, आगे जाके आपको बताऊंगा क्यों। अब इसको मैं यहां से यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा पहला मास्क यहां पे रेडी हो चुका है। अब आप चाहो कि आपको समझ में आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे मास्क में जाके एड में जाके आप क्या अप्लाई कर सकते हो, नन, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे बेटर फीलिंग आ रहा है एड में ही रखते हुए, ताकि जैसे मेरा मास्क ड्रॉ होगा तो मुझे एग्जैक्टली ग्लास इफेक्ट कैसे मेरे ग्लासेस जनरेट हो रहे हैं वो मुझे समझ में आएगा। तो ये मैंने सबसे पहला यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं दूसरा यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट कुछ मैं इसको यहां से लेके जा रहा हूँ, या फिर इट्स गुड इनफ, तो मैं यहीं से लेता हूँ इसको और मैं इसको यहाँ पे कुछ लंबा सा मास्क स्केच करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ इसको। मैं थोड़ा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ड्रॉ करूंगा इसको मैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो एक ये वाला हो गया है मेरा, फिर मैं एक यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से मैं इसको ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट ओके। यहाँ से लेके जाएंगे इसको और मैं यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। तो ये एक मेरा मास्क जनरेट हो चुका है। आप चाहो उसको वेरियस लुक दे सकते हो गाइस, ये आपके ऊपर है आप कैसा लुक देना चाहते हो। ठीक है, और इसके साथ जितना प्ले करोगे उतना ही बेटर इफेक्ट आपको मिलेगा। यहां से अभी एक और मास्क मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस कुछ इस हिसाब से, और मैं इसको भी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और लंबा सा मैंने किया है और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सेम चीज यहां से मैं एक अभी एक मास्क ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ऑलमोस्ट मैं उसको लेके आऊंगा कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर देना है। सो ओके, हमने ये पांच मास्क यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस मास्क को मुझे मेरी इसी फुटेज को डुप्लीकेट करके इसको उसके ऊपर अप्लाई करना है। बट उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो इसको हम लोग हाइड कर देते हैं हमारे प्रोपोर्शनल ग्रिड को। अब इसी फुटेज को मैं एक बार डुप्लीकेट करता हूँ और ओपन करता हूँ इसके मास्क सारे, और इन सारे मास्क को मैं सबसे पहले तो क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ यहां से और मैं इसको कंट्रोल एक्स अप्लाई कर देता हूं। अब इस फुटेज को वापस सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी दबा के उसको मैं दे दूंगा ग्लास इफेक्ट कॉम्प, तो मैंने यहां पे डाल दिया, या फिर हम इसको कहेंगे प्री कॉम्प।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया है प्रीकॉम्प, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ गाइस। अब इसको क्या करना है मुझे, यहीं पे इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके जो हमने मास्क को अभी कट किया था कंट्रोल एक्स करके, उसको यहाँ पे वापस क्या करना है, इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो भाई ये यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मेरी नीचे वाली फुटेज और ऊपर वाली दोनों फुटेजेस मेरी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मेनली मुझे क्या करना है, जो नीचे वाली फुटेज है उसमें से मुझे सारे मास्क निकाल देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। हमने रेफरेंस के लिए मास्क अप्लाई किए थे, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये दोनों इस हिसाब से कुछ दिखने वाला है मुझे, बराबर है। तो अब क्या करना है, मास्क का इफेक्ट जनरेट करना है। तो इस प्रीकॉम पे डबल क्लिक करेंगे और हमारी फुटेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका स्केल थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ, ऑलमोस्ट 130 के आसपास। आप लेटर ऑन इसको चेंज कर सकते हो, जब चाहे तब आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ कलर करेक्शन। तो सबसे पहले कलर करेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं काउज अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मिनिमाइज करते ताकि कर्व्स आपको पूरा दिखे। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने हाईलाइट को कुछ हिसाब से इंक्रीज कर दिया, प्लस मैं रेड चैनल को भी थोड़ा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, ताकि उसका स्किन का जो इफेक्ट है और स्किन जो है वो प्रॉपर निखर के आए ब्यूटीफुल तरीके से। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है। अब कर्व की इफेक्ट को हमारी मिनिमाइज करते हैं, लेयर को सिलेक्टेड रखना है, वापस चलते हैं हम इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे ब्लर और शार्पन के अंदर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गॉशन ब्लर। अब गॉशन ब्लर सिलेक्ट करने के बाद मैं वैल्यू ऑलमोस्ट अभी 9 की अप्लाई कर रहा हूँ। आगे जाके आप जब चाहे तब इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आई थिंक 11 विल बी गुड। तो हाँ भाई, ये मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है। तो हमने यहाँ पे दो इफेक्ट अप्लाई किए हमारी प्रीकॉम्प के अंदर, जहां पे हम ग्लास इफेक्ट का एडिशनल जो कहते हैं ना, एक एडवांस इफेक्ट या हमें रियलिस्टिक इफेक्ट मिल पाए, उसके लिए जो हमें चेंजेस करने थे, तो उसके लिए हमने कलर ग्रेडिंग किया थोड़ा बहुत कर्व्स के थ्रू, प्लस हमने क्या किया, ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया है। अब हम चले आते हैं वापस हमारी मेन कॉम्प के अंदर। तो आप देखो वैल्यू ऑलरेडी जनरेट हो रही है, चीजें अलग अलग दिख रही है, बट ये ग्लास जैसा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक ग्लास काइंड ऑफ इफेक्ट इसके ऊपर जनरेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, वही हमारे ग्लास इफेक्ट वाले प्रीकॉम्प को लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, यहां से हम जाएंगे लेयर स्टाइल में और हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप शेडो यहाँ पे। सो मैंने ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया, और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्लैक एजेस दिखने लगी है, बट मुझे ग्लास के अंदर में डार्क एजेस नहीं दिखती है, हमें ब्राइटर एजेस दिखती है अगर थिनर थिक ग्लास रहता है तो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, व्हाइट ब्लैक की जगह पे व्हाइट शेड चूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया था। अब अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है हमारा ड्रॉप शेडो का, वो है मल्टीप्लाई। तो इसको आपको चेंज कर देना है स्क्रीन के अंदर। तो जैसे ही आप चेंज करते हो, देख रहे हो आपको एक हल्का सा ग्लास का थिकनेस यहाँ पे समझ में आने लगा है। तो ये हमें चाहिए था, तो दैट्स बेटर। आप चाहो उसको थोड़ा और थिकर करना है तो डिस्टेंस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो देखो 9 का डिस्टेंस आ गया, बट ये जरूरत से ज्यादा हुआ है, तो 7 अच्छा लग रहा है मेरे को। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे हल्का सा स्प्रेड का वैल्यू बढ़ा दो, तो मैं यहाँ पे 4 का वैल्यू अप्लाई कर दे तो थोड़ा सा स्प्रेडिंग इसका बढ़ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे इफेक्ट जनरेट हो चुका है, बट अभी मुझे ये कुछ एजेस यहाँ पे देख रहे हो एकदम प्लेन, तो मुझे वहां पे भी थोड़ा इफेक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम चलते हैं नॉट एन सिमुलेशन आई थिंक पर्सपेक्टिव, हाँ हमें पर्सपेक्टिव में जाना है। पर्सपेक्टिव में आपको मिल जाएगा ड्रॉप शेडो। पहला काम क्या करना है, मुझे ड्रॉप शेडो का शेड चेंज करना है। तो जो हमने दूसरा ड्रॉप शेडो इफेक्ट डाला, इफेक्ट पैनल में जाके, तो यहां से हम शो शेडो कलर का कलर पिकर उठाएंगे, और यहां से जो हमने लेयर स्टाइल में ड्रॉप शेडो डाला है वो सेम शेड यहां से पिक कर लेंगे। तो व्हाइट का शेड आ गया है, बट देखो एंगल ऑलमोस्ट दोनों एक तरफ जा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे शेडो का। आप देखो ऑलमोस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अभी दूसरी तरफ भी हल्का सा शेड आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। आप चाहो तो थोड़ा और चेंज कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे कि भाई कहाँ आपको बेटर इफेक्ट जनरेट होते हुए मिल रहा है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो मैं कुछ यहां तक रख रहा हूं, तो आपको दिखेगा दोनों साइड पे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जनरेट हो रहा है। अब इसको भी मैनिपुलेटिव होता रहना चाहिए, तो उसके लिए भी हम अमेजिंग सा एक तरीका यूज करने वाले हैं, सो डोंट वरी। ये कंटिन्यूअस चेंज नहीं दिखना चाहिए ना, थोड़ा बहुत चेंज होते रहना चाहिए, तो वो हमारा एनिमेशन अब हेल्प आउट करेगा। तो भाई हमारा ऑलमोस्ट ग्लास का इफेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, बट अभी हमें क्या करना है, इस ग्लास को एनिमेट करना है। तो थोड़ा स्मार्ट वे पे इसको एनिमेट करने का तरीका देखेंगे। तो अभी क्या करता हूँ, वापस मैं इसको थोड़ा
जूम आउट करता हूं हमारे कंपोजिशन को यहां पे व्यूअर को, और करना क्या है कि हमारे लेयर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपके मास्क विजिबल हो गए, अब लेयर को सिलेक्ट करने बाद एम प्रेस की थी, सारे के सारे मास्क आपको विजिबल हो जाएंगे। अब सभी मास्क को आप क्या कर लो, कंट्रोल प्रेस करके एक एक करके सारे के सारे सिलेक्ट कर लो। पहले तो सारे मास्क आपको यहाँ पे की दे दो। अब चले जाओ एंड के ऊपर, हमारे लास्ट की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे सारे मास्क सिलेक्टेड है। हाँ भाई, सारे मास्क सिलेक्टेड है। इसका शेयर थोड़ा अलग है, चेंज कर लेते हैं उसके शेयर को ताकि वो विजिबल हो हमें। तो मैं यहाँ पे उसका चेंज कलर कुछ कर लेता हूँ इस हिसाब से, ओके। तो अब क्या होगा, सारे मास्क विजिबल होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहता है। अब लेबल का कलर कुछ से चेंज कर सकते हो, तो ओके ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूं, किसी भी एक मास्क का जो बड़े वर्टेक्स दिख रहा है ना, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। तो हमने सारे मास्क यहाँ पे सिलेक्टेड रखे, तो उसका कंबाइन एक हमें क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे रोटेट करने वाला हूँ। तो देखो लास्ट की फ्रेम के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो आपको जितना चाहिए उतना आप रोटेट करो। मैं ऑलमोस्ट 180 डिग्री रोटेशन चाहता हूँ इसका गाइस, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, एक 180 डिग्री जितना मैं यहाँ पे इसको रोटेशन दे रहा हूँ। तो हाँ भाई, ये बेटर तरीके से रोटेट हो चुका है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने मास्क इतने लेंथी क्यों बनाया, अगर आपने छोटे बनाए होते ना, तो क्या होता है जब भी आप इसको रोटेट करने जाते हो। मैं वापस यहाँ पे आपको मास्क का हमारा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक एक करके सारे मास्क सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सारे मास्क फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये छोटे हो गए, दिख रहा है आपको, इन बिटवीन क्या हो गए, ये छोटे हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन इज जैसे आप मूव करते हो ना, तो अगर इनका ट्रांसफॉर्म देखोगे तो मुझे भाई इतना लंबा रखना था कि थोड़ा मेरे को कम्फर्ट जोन दे। तो इनका ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, सेंटर में छोटा हो रहा है। So, यही एक चीज थी। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से इसको कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के इस कॉर्नर को आप क्या करोगे, ड्रैग करोगे और यहाँ पे बड़ा कर रहे हो इसको। अब मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ यहाँ सेंटर की तरफ, ओके। अब इसको भी थोड़ा मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट करके यहां से थोड़ा स्केल अप कर रहा हूँ, ओके। तो ये कुछ इस हिसाब से मेरा जनरेट हो रहा है। थोड़ा इसको नीचे भी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई ये होगा क्या कि देखते जाओ कि कहीं पे भी वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, पूरा कवर करना चाहिए। कहीं पे भी ग्लास के बाहर के जो चीज हमने स्टार्टिंग से ही बाहर रखे हैं वो अंदर नहीं आने चाहिए। तो देखो ये वापस क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। प्रॉपर बहुत ही बेटर तरीके से अंदर घुस गए हमारे। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे इसको चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो वापस क्या करते हैं, फिर से हम लोग कहीं पे भी इसको डबल क्लिक करते हैं तो आपका मास्क रेडी हो गया। पहले तो इसका पोजीशन में यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, हल्का सा हमने शिफ्ट कर दिया, देखो ये बाहर चले गए। और क्या करेंगे, वापस कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के थोड़ा इसको बड़ा कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो रोटेशन हमारा कंटिन्यूअसली होने वाला है, बट मास्क का जो स्केल साइज, तो अब देखो यहाँ पे भी हल्का सा चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं यहाँ पे, ओके। मूवमेंट करके देख लो, कहीं पे भी ये अंदर नहीं आना चाहिए गाइस, बराबर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं खाली एक स्पेसिफिक तरीके से इसको चेंज करके देख लेता हूँ कि भाई ये कहीं पे भी अंदर ना आए। अब इन सारी चीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और थोड़ा क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, सॉरी सारे मास्क को सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे सभी मास्क को एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन एंड डबल क्लिक ऑन दैट। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा रहा हूं और थोड़ा क्या कर देंगे कि इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे कुछ इस हिसाब से। हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया है, ओके। सो अब हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। आप चाहे तो अपने ब्रोकन ग्लास वीडियो इफेक्ट के यहाँ पे टाइटल डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, बट मुझे वो डालना जरूरी नहीं लग रहा है अभी के लिए। हमारा मेन टारगेट था ब्रोकन ग्लास वीडियो इफेक्ट जनरेट करना। तो आप देखो एक रियलिस्टिक तरीके का हमारा ग्लास जनरेट हो रहा है गाइस। सो आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपके लिए कुछ अमेजिंग आइडियाज लेके आता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ, जो आपके वीडियो एडिटिंग हो गए, वीडियो इफेक्ट्स हो गए, मोशन ग्राफिक्स हो गए, एनिमेशन हो गए, टाइटल इंट्रोज हो गए, सभी के लिए आपको बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज देता है, जिसको आप अपने प्रोफेशनल वीडियोस के अंदर यूज करते हुए अच्छे खासे इंस्पिरेशन अपने क्लाइंट के थ्रू पा सकते हो, वाहवाही पा सकते हो, या फिर क्लैपिंग और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। किसी भी तरह के प्लगइन को यूज किए बिना, किसी भी तरह के टेम्पलेट को यूज किए बिना, आप अपने खुद से ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, ना ही आपको किसी हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ती है। तो आपसे बस इतना चाहिए, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट में मेंशन भी जरूर करना कि आपको ट्यूटोरियल कैसे लग रहे हैं, प्लस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ताकि आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स और अपडेट्स को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखते हैं हमारा फाइनल आउटपुट गाइस।
जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो गाइस, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ग्लास एनिमेट होते हुए दिख रहा है आपको, प्लस उसकी ग्लास की थिकनेस आपको समझ में आ रही है, ग्लास का जो लुक दिखना चाहिए थ्रू द ग्लास जो हमें वीडियो का लुक दिखना चाहिए वो भी बहुत बेटर तरीके से दिख रहा है, और बहुत ही स्मूथली हमारे मास्क यहाँ पे, मास्क पाथ हमारे यहाँ पे एनिमेट हो रहे हैं। सो आई होप ये ब्रोकन ग्लास वीडियो इफेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। सो अगेन लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।